नमस्कार। अभी अभी बड़ी खबर सामने आ रहा है, तो असली खेल चीन का ये था, पहले कोरोना वायरस फैलाओ फिर पैसे कमाओ। स्पेन को कई मिलियन यूरो की दवाई बेची। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। दुनिया में चारों ओर कोरोना वायरस का हाहाकार मचा हुआ है। चीन से निकला यह वायरस अब पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान सब इस वायरस के शिकार हो चुके हैं। अमेरिका लॉकडाउन, भारत लॉकडाउन और इसके साथ साथ यूरोप के कई स्थानों में पर लॉकडाउन है। लेकिन ऐसे में चीन के अब सभी शहर खुले हुए हैं। जहां से ही इस वायरस का शुरुआत हुई थी, वुहान शहर, अब वह शहर भी खुलने वाला है। 8 अप्रैल को चीन वुहान शहर को खोल देगा। चीन के मुताबिक अब इस कोरोना वायरस का असर चीन में नहीं है, जिसके चलते चीन ने अब अपने देश की सभी फैक्ट्री खोल दी है और इसके साथ साथ कमाई भी शुरू कर दी है। मीडिया को खरीद कर चीन ने बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा किया है और दुनिया के देशों को बताने में कामयाब हो चुका है कि वह कोरोना वायरस पर कंट्रोल करना चाहता है। बता दे कि यूरोप के देश इस वायरस से बेहाल है। सबसे ज्यादा बुरा हाल इटली और स्पेन का है, जिसके चलते चीन ने इन देशों को राहत और मदद के नाम पर अपना असल खेल दिखाना भी शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि स्पेन ने चीन से बड़े पैमाने पर दवाइयां और कोरोना वायरस की किट खरीदी है। वैसे तो हम इस खबर की पुष्टि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया न्यूज चैनल का वायरल खबर है। वैसे आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।